गुड मॉर्निंग, मैं सोम प्रकाश ठाकरे, असिस्टेंट प्रोफेसर श्री रावतपुरा सरकार यूनिवर्सिटी रायपुर छत्तीसगढ़। आज हम देखेंगे सब्जेक्ट कैट कैम यूनिट नंबर 2, एडिटिंग वीविंग ड्राइंग एंड डायमेंशनिंग। इसमें फर्स्ट है हमारा विंडो। यह ऐसे ऑब्जेक्ट का चयन करता है जो दो बिंदुओं के सहायता से बनाए गए आयत के अंदर पूर्ण रूप से आते हैं। कॉर्नर का प्रदर्शन बाएँ से दाएँ करने पर विंडो चयन द्वारा कॉर्नर का चयन दाएँ से बाएँ करने पर क्रॉसिंग चयन निर्मित होता है। तो इसमें जो स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर, स्पेसिफाई पॉइंट 1, स्पेसिफाई अपोजिट कॉर्नर, स्पेसिफाई ए पॉइंट 2, तो इस तरीके से हम लोग विंडो सिलेक्शन करते हैं, जो कि डायग्राम 3.2 में दिखाया गया है। नेक्स्ट सेकेंड नंबर है लास्ट, या नवीन रूप में बनाए गए सभी दिखाई देने वाले ऑब्जेक्ट का चयन करता है। थर्ड नंबर है क्रॉसिंग, यह दो बिंदुओं से प्रदर्शित आयतकार क्षेत्र के अंदर तथा आयत से कटने वाले सभी ऑब्जेक्ट का चयन करता है। क्रॉसिंग चयन डैश या हाईलाइट द्वारा विंडो चयन से अलग प्रदर्शित होता है। कॉर्नर के बिंदुओं का क्रम दाएं से बाएं करने पर क्रॉसिंग चयन प्राप्त होता है। तो इसमें हमको सबसे पहले फर्स्ट कॉर्नर स्पेसिफाई पॉइंट 1, अदर कॉर्नर स्पेसिफाई पॉइंट 2, इस तरीके से क्रॉसिंग जो सिलेक्शन है हम लोग इसको सिलेक्ट करके उसको इंडिकेट करते हैं। नेक्स्ट फोर्थ नंबर बॉक्स, इसके द्वारा उन सभी ऑब्जेक्ट का चयन किया जाता है जो बॉक्स के अंदर या बॉक्स से कटते हैं। यदि कॉर्नर के बिंदुओं का क्रम दाएं से बाएं होता है तब यह क्रॉसिंग चयन तथा बाएं से दाएं होने पर विंडो चयन के रूप अनुरूप हो जाता है। इसमें हम स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, स्पेसिफाई ए पॉइंट, स्पेसिफाई सेकंड कॉर्नर, स्पेसिफाई ए पॉइंट। नेक्स्ट इसमें जो फिफ्थ नंबर है वो ऑल, यह प्रदर्शित सभी ऑब्जेक्ट का चयन करता है। इसमें जो डायग्राम में दिया हुआ है ये ऑल का जो सिलेक्शन है ऑब्जेक्ट का चयन वो शो कर रहा है। नेक्स्ट सिक्स नंबर फेंस, यह ऑब्जेक्ट फेन से कटने वाले सभी ऑब्जेक्ट का चयन चित्र 3.5 के अनुसार करता है। फेन सी पॉलीगॉन की तरह होता है लेकिन यह बंद नहीं होता है तथा फेंस स्वयं को काट भी सकता है। फेंस पिक एड सिस्टम वेरिएबल से प्रभावित नहीं होता है। इसमें हमको फर्स्ट फेंस पॉइंट स्पेसिफाई ए पॉइंट, स्पेसिफाई एंड पॉइंट ऑफ लीनियर और अंडो, नेक्स्ट स्पेसिफाई ए पॉइंट और एंटर यू टू अंडू द लास्ट पॉइंट। थैंक यू।